स्वागत है। मैं ममता पांडे, गृह विज्ञान विशेषज्ञ। आज मैं आप लोग को बीए प्रथम वर्ष पेपर द्वितीय और आज का टॉपिक है हमारा निषेचन। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि मासिक धर्म में क्या है, फिर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कैसे होता है, फिर वहां से जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो आज हम लोग निषेचन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, आज का हमारा उद्देश्य है, आज हम लोग निषेचन का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि निषेचन कैसे होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है जिससे वो निषेचन होकर गुजरता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं निषेचन। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संयोग को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी जो निषेचन होता है किससे होता है? कि स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संयोग को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैथुन के दौरान अंडाणु यानी ओवम का शुक्राणु यानी स्पर्म से मिलन होता है। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? मिलन होता है। उस मिलन को जैसे क्या होता है कि शुक्राणु अंडाणु को क्या करता है? विभेदित कर देता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। इस तरह शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर देता है। निषेचित डिंब से ही युग्मज यानी जायगोट का निर्माण होता है। जैसे कि आपने निषेचन को पढ़ा तो देखा होगा कि जो शुक्राणु होता है अंडाणु को क्या करता है? विभेदित करता है। जब वो दोनों मिलते हैं तो क्या करता है? विभेदित करता है। और जब विभेदित करता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। और जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाधान। ठीक है, उसको कहते हैं गर्भाधान। ये कब से चलता है? कि निश्चित अंडाणु अंडवाहिनी नालिका द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। इस क्रिया में लगभग कितने दिन लगते हैं? 7 दिन का समय लगता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद जो निषेचित अंडाणु होता है वो गर्भाशय के भीतर अंतःस्थापित हो जाता है। यानी क्या करता है? जब वो अब फिगर देख लीजिए, फिगर से मैं समझाते चलती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? इसमें आइए, ये क्या है? अंडाणु। ठीक है ना, यही अंडाणु है। और ये क्या है? अंडाशय है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, ये योनि मार्ग है, ये गर्भाशय का अंतः स्तर होता है। ठीक है ना, ये क्या है? अंतः स्तर है, ये गर्भाशय की गुहा है, ये क्या है? फिर ये फंडस अंडवाहिनी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जो 28 दिन का समय चक्र चलता है तो ये जो अंडाणु यहाँ पे है यहाँ से क्या करता है? जब वो 14 दिन के समय से क्या है यहाँ से निकलते हुए जब यहाँ पे आया है और यही क्या करता है? यहाँ पे आता है। जब उसको आने में क्या करता है? 7 दिन जो समय होता है मासिक धर्म का, या 28 दिन पूरा हुआ अंडाणु, 28 दिन में परिपक्व जो अंडाणु होता है क्या होता है? वो निकल के सीधे फेलोपियन ट्यूब में आता है। और फेलोपियन ट्यूब में अगर यहाँ से पुरुष का शुक्राणु यहाँ पे अगर गया, ठीक है ना, यहाँ से कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, फिर अंडाणु सरकते सरकते अपना वो कार्य करते चला आ रहा है। 28 दिन 14 दिन लगती है आने में। अगर पुरुष का शुक्राणु से अंडाणु का मिलन हो गया, ठीक है ना, उस मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। और उस समय क्या होता है कि वो गर्भाधान की प्रक्रिया का शुरू हो जाता है। वो दोनों मिल जाते हैं और जब मिलते हैं तो विभिन्न कोशिकाओं में क्या होता है? बट जाते हैं। कोशिकाओं में बट करते कैसे है? आप देखिए कि जो 28 दिन के लिए समय चक्र जो चल रहा है, मेंस, ये क्या है? पीरियड चक्र है। यानी ये 7 दिन का समय होता है। 7 दिन के बाद अगर जो नर युग्म होता है मादा युग्म से जब उसका मिलन होता है तो वहां से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है ये 28 दिन होता है, अंडाणु 28 दिन में परिपक्व होकर बाहर निकलते आते हैं। और इसी 7 दिन के बीच में अगर मैथुन कार्य किया जाता है, संभोग कार्य होता है नर और मादा युग्म के द्वारा, तो वो उस समय क्या होता है? जब दोनों शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है कैसे होती है? यहाँ पे देखिए कि अभी ये अंडाणु है, यहाँ पे परिपक्व एक में विभेदित हुआ, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये इसका केंद्र थे यहाँ पे है, ये क्या हुआ? बाहर निकला। फिर यहाँ से क्या अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? परिपक्व हो गया। तो ये समय चक्र उसका चलता जाता है। फिर जो शुक्राणु होता है अंडाणु को क्या करता है? विभेजित करता है। विभेदित यानी उसको छेद के अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तो क्या किया जाता है? जो शुक्राणु होता है
कि शुक्राणु जो होता है जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो वो उस समय जब प्रवेश करता है तो ये उसके अंदर चला जाता है और ये अपने पुष्प को यानी यहाँ से ग्रीवाशय को बाहर छोड़ देता है और ये इतना शरीर उसके अंदर चला जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या क्या अंडाणु को क्या कर रहा है, विभेदित कर रहा है। इसमें लाखों शुक्राणु गए हैं लेकिन कुछ क्या करते हैं कि जो परिपक्व होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं वो अंडाणु तक पहुंच जाते हैं लेकिन जो अस्वस्थ होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि एक उदाहरण देख लीजिए कि अगर कहीं पे भी दौड़ कराया जाता है तो सारे बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है, भाग लेते, उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसमें से जो बच्चा बहुत तेज दौड़ता है, स्वस्थ होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है, वो क्या करता है, वो उस गेम में जीत जाता है, वहां तक पहुंच जाता है। यानी आपको इस कैंपस से उस गेट तक दौड़ना है, सारे बच्चों को दौड़ाया जाता है, उसमें से जो बहुत फास्ट दौड़ता है, जो स्वस्थ होता है, वही वो उस गेट तक जाता है। बाकी कहते हैं कोई बीच रास्ते में ही गिर जाता है, कोई थक जाता है, तो वैसे सेम प्रोसीजर क्या होता है, शुक्राणुओं का होता है। तो निकलते तो बहुत सारे हैं, 200 से 300 शुक्राणु निकलते हैं। वो जब प्रवेश करते हैं एंड वहां पे आते हैं गर्भ गुहा में, योनि के माध्यम से जब अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कुछ तो बीच रास्ते में मर जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने में 2 से 3 दिन तक दिन लगते हैं। यानी वो जब तक वो गर्भाशय का मुख खुलता नहीं है तब तक वो अपनी प्रक्रिया शुरू करते रहते हैं, तो कुछ तो थक के मर जाते हैं। लेकिन जो परिपक्व और स्वस्थ शुक्राणु होता है वो महिला के गर्भाशय से लड़ता रहता है, यानी कोशिकाओं को विभेदित करता है, उसको क्या करता है, उस चीज को प्रिसीजन में लगा रहता है और उसी में उसी के दौरान क्या करता है, वो अंदर प्रवेश कर ले जाता है, ठीक है। और जब प्रवेश करता है तो क्या करता है, अपने शरीर का भाग अंदर ले जाता है और वहीं से जो पुष्प यानी जो तरल पदार्थ के माध्यम से, अपने पुष्प के माध्यम से जो तैर रहा था, अपनी कार्य कर रहा था, वो वहीं छोड़ देता है, अपने सर के माध्यम से जो न्यूक्लियस होता है वो अंदर चला जाता है। और वहां जब अंदर जाता है तो वहां पे आप देखते होंगे कि जो माता का जो प्लेसेंटा यानी अपरक्त जिसको कहते हैं, वो क्या करता है, उसमें जो रक्त श्लेष्मा झिल्लियां होती है यानी मेंडुला और कॉर्टेक्स, ठीक है, उन दोनों से क्या करता है, जो मेंडुला होता है उसके रक्त से, उसके ऑक्सीजन से अपना पोषण लेने लगता है और कॉर्टेक्स उसकी सुरक्षा करता है। अंदर जाने के बाद से वो उससे अपने उस रक्त से क्या करता है, अपना पोषण लेने लगता है और ठीक 14 दिन के बाद से वो अपनी जगह को एक प्लेसेंटा के जगह पर क्या करता है, अपरा से जुड़ जाता है, यानी प्लेसेंटा में जाके स्थापित हो जाता है और वहीं से अपना पोषण रक्त से लेना शुरू करता है। कौन सारे, यानी जो प्रोजेस्टेरोन और जो हार्मोन्स होते हैं उन दोनों से क्या करता है, यही से वो क्या अपना आहार लेने लगता है और इसीलिए गर्भाशय में वो शिशु का विकास होने लगता है, जो भ्रूण होता है उसका विकास यही से होने लगता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, विभेदित कर रहा है, इसमें इसने शुक्राणु अपने कार्य को कर रहा है कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन उसमें से एक ही शुक्राणु क्या करता है, उसको विभेदित करके अंदर चला जाता है और जलने के बाद से अपरा से जाकर के एक जगह स्थापित हो जाता है। उसको उतने दिन में 14 दिन लगते हैं अपरा के बाद प्लेसेंटा के पास जाने में, अपनी जगह लेने में, और वहां से अपना भोजन लेना शुरू करते हैं, पोषण लेना शुरू करते हैं और वहीं से विकास होने लगता है भ्रूण का। अब देखिए कि ये जो यहाँ पे देखिए कोशिका विभाजन हो रहा है अंडाणु को, यहाँ पे मिलन हुआ, फिर ऐसे देखिए एक ऐसे सब शुक्राणु कोशिकाओं में विभाजित हो जा रहा है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए जब दोनों शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यानी यन, एक यन इधर और एक यन, ये दोनों यन मिलकर क्या करते हैं, यानी एक यन नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर एक टू यन, ठीक है ना, टू यन यानी ये क्या हुए, युग्मज, ठीक है ना, ये क्या हुए, युग्मज, ये युग्मज हुए। तो इसको ये नर यन और मादा यन मिलकर टू यन, यानी टू यन क्या हुए, युग्मज हुए, कौन से युग्मज, यानी ये 23 और ये 23 क्रोमोसोम मिले तो कितना हुए, 46, ठीक है। अब ये 46 क्रोमोसोम मिले तो यहाँ पे किसका हो रहा है, यानी यक्ष यक्ष और वाई यक्ष, ये किसका यक्ष है, ये नर का है और ये मादा का है, ठीक है। ये अब दोनों जब मिलते हैं, यक्ष यक्ष और ये तेज तेज जब मिलते हैं, युग्मज दो होते हैं, उसको युग्मज किसको कहते हैं, यानी अंडाशय अंड कोष का अंदर किससे होता है, अंडाणु कहते हैं,
और ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, युग्मक किसको थे? युग्मज को पैदा करते हैं, युग्मज बनते हैं, उसी को कहते हैं ट्वियन, मतलब ये दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। यानी जो माता का बुढ़िया युग्मज हुआ, इतने ही पिता का युग्मक हुआ, ये दोनों मिलकर के क्या हुआ? अगर ये यही दोनों मिलते हैं, युग्मज जो मिलते हैं यानी जायगोट, ठीक है ना, तो माता का यक्ष, ठीक है, और पिता का वायु, अगर ये दोनों युग्मज मिले, ये जायगोट मिले, तो यहाँ पे क्या हुआ? लड़का, ठीक है ना, लड़का पैदा होगा। अगर माता का तो यक्ष यक्ष रहता है, लेकिन वो किस पे निर्भर करता है? लड़का और लड़की किस पे निर्भर करता है? पिता के शुक्राणु पे निर्भर करता है, वो पुरुष पे निर्भर करता है, वो लड़का पैदा करता है या लड़की पैदा कर सकता है, क्योंकि माता में तो यक्ष यक्ष पहले से ही विद्यमान रहते हैं, लेकिन पुरुष में क्या है? यक्ष और वायु होते हैं। तो अगर पुरुष के यक्ष एक्टिव हो गए उस समय, तो माता का यक्ष और पिता का यक्ष जब मिला, तो वहां पे क्या हुआ? लड़की, ठीक है, क्या हुई? अब यहाँ पे क्या हुई? लड़की, ठीक है, लड़की हुई। ये क्या होता है? ये दोनों युग्मज मिलकर के जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, तो वहां पे एक युग्मज का यानी जायगोट का निर्माण होता है। वही जायगोट क्या करते हैं कि लड़का और लड़की लिंग निर्धारण करते हैं अंडकोश में, और फिर यही जाकर के कहां पे होते हैं? अंडकोश में मिलते हैं, और यहीं से फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है, और वहां से ये चीज, ये जो भ्रूण होता है यक्ष यक्ष या यक्ष वायु, ठीक है, वो वहां से अपना पोषण लेना शुरू कर देता है, माता की प्रसन्नता यानी अप्रा से अपना भोजन ग्रहण करने लगता है, ठीक है। तो क्या था? गर्भाशय के भीतर अंडार की अंतःस्थापना ही को क्या कहते हैं? गर्भधारण या गर्भरोपण या गर्भ टहरना कहते हैं। क्या होता है? यहाँ पे आपने नेक्स्ट पढ़ा था ना यहाँ तक, कि गर्भाशय में पहुंचने के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय के भीतर क्या अंतः स्थापित हो जाते हैं, यानी प्रसन्नता से जुड़ जाते हैं और अपना पोषण लेने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? गर्भाशय के भीतर अंडाणु का अंतः स्थापना ही को क्या कहते हैं? गर्भधारण, यानी अब भ्रूण क्या है? भ्रूण का विकास होने लग रहा है, भ्रूण बढ़ने लग रहा है, अब पोषण लेने लग रहा है, तथा स्त्री गर्भवती हो जाती है, और 14 दिन के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार से जुड़कर माता की अप्रा यानी प्रसन्नता से जुड़ जाता है। कितने दिन के बाद? 14 दिनों के बाद, ठीक है, जुड़ जाता है। 14 दिन के पहले वो कैसे जीवित था, ये क्वेश्चन बनता है ना, कि इसके पहले वो कहां से अपना पोषण लेता था? तो वो जो अपने शरीर से जो तरल पदार्थ लेकर के प्रवेश किया था, और जो अंडाणु के बीच में जो तरल पदार्थ थे, उससे अपना वो पोषण ले रहा था। लेकिन जब 14 दिन के बाद से जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है, 14 दिन के बाद से उसको एक स्थान वो परिपक्व हो जाता है, ठीक है, वो कोशिकाओं में विभाजित होकर के एक, जैसे कि आप अनार के गुच्छे देखे होंगे, उसमें ऐसे से कोशिका विभाजन की तरह अनार के गुच्छे में बना रहता है, तो वो ऐसे ही बंद करके जब वो एक जाल सा बिछ जाते हैं, तो अब ये लगता है कि अब ये परिपक्व हो गए हैं। अगर 14 दिन के बाद, इसके 14 दिन के पहले उस बीच में कभी कभी क्या होता है कि ये क्लियर नहीं हो पाता है कि माँ प्रेग्नेंट हो गई है कि नहीं भी होगी, ये भी होता है। अगर उसी 14 दिन के बीच में कोई गलतियां हो जाती हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो फिर से क्या होता है? वो मासिक चक्र के द्वारा, मासिक धर्म के द्वारा फिर वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर वो 14 दिन के बाद वो निषेचित अंडाणु क्या होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो माता के दीवार से यानी अंडाणु के गर्भाशय की दीवार यानी अपरानी प्लेसेंटा से जुड़ जाते हैं, अब ये भ्रूण कहलाते हैं, तथा माता के रक्त से भोजन प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। भ्रूण का कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर विकास में वृद्धि होती रहती है, तथा 280 दिन के बाद यही भ्रूण क्या एक पूर्ण बालक का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, तथा जनन अंगों द्वारा जनन मार्ग से प्रसव के दौरान बाहर आ जाता है। ये कैसे आता है? जनन अंगों द्वारा जनन मार्ग से प्रसव के दौरान बाहर आ जाते हैं। अब ये कैसे होता है? 280 दिन, ठीक है ना, 280 दिन, 9 माह या 7 दिन, जैसे कि क्या हुआ, 9 माह 7 दिन, 7 दिन मतलब वे दसवें में, 7 दिन दसवें में गया था, तब वो क्या था? पूर्ण उनका विकास हो जाता है और वो बाहर आने लगते हैं, ठीक है। उस समय क्या, अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, उसमें गर्भधारण वाली प्रक्रिया में बताएंगे, ये जो अपरा रहता है प्रेसेंटा, उसमें एक पीला तरल पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, वह एक थैली, वो शिशु का सुरक्षा करता है,
ठीक है, ये थैली बन जाता है, उसमें तरल पदार्थ से भरा रहता है, ठीक है, और उसमें शिशु क्या करता है, उसको बाहरी आघातों से या दुर्घटना से बचाता है, तेज आघात से। वो क्या करता है, वो जो तरल पदार्थ रहता है यानी प्लेसेंटा जो होता है, वो शिशु का क्या करता है, सुरक्षा करता है बाहरी आघातों से, दुर्घटनाओं से वो सुरक्षा करता है। और वही जब 280 दिन पूरे हो जाते हैं, 280 दिन पूरे हो जाने के बाद से वो थैली क्या होती है, फटने लगती है। और जब फटती हुई जो तरल पदार्थ निकलता है वो क्या होता है, प्रसव के दौरान वो बहुत ही अच्छा रहता है कि शिशु बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो अपना नेक्स्ट में गर्भाधान के समय में हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।